हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। विशु शुभम रोशन के ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है। तो अभी हम आज जाएंगे मार्केट, क्यों जाएंगे वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। अभी तो हमारे घर में सोना सोना, इधर सोना इधर सोना, दोनों सो रहे हैं। और कितने बजे? 10। और मैं बना रही हूँ खाना, पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल और शूट कर रहे हैं माता राम। किचन का भी इतना पढ़ाई धंधा हम कर रहे काम। तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में, क्यों जाएंगे मार्केट वो आपको धीरे 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 ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं आगे, बने रहिए। ये रही मेरी सासू माँ, मिल लो इनसे भी, जो कि आप पियेंगे चाय 10 बजे। चाय देखो कि मतलब चाय, ये रही चाय इनकी, सही चाय पीती हैं। अभी तो पहले हम बनाएंगे खाना, उसके बाद हम करेंगे 2 से 3 शूट्स, क्योंकि 3-4 दिन से मम्मी हॉस्पिटल में थी तो शूट हो नहीं पाए थे। बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ। ये हमारे घर में पानी गर्म, क्योंकि अभी देखो अभी जो माहौल चल रहा है आरो हमारे घर में अभी है नहीं, है ना। तो पानी गर्म करके ही पीना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खराब सा आ रहा है, तो इसलिए पानी हो रहा है गर्म, है ना। 3 शूट करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम मार्केट पूरा काम घर का करने के बाद। तो हम इतने फ्री नहीं रहते, सारा हैंडल वैंडल करके ही जाते हैं घर का। पति देव को देख रहे कैसे सो रहे हम, ये हमारे घर का सबसे वेला इंसान जो हमारे घर पे सुबह सुबह रोज डॉग देने आता है। तो सब लोग पूछते ही है, मेरे देवर है, मेरा भाई है, तो मेरा जेठ है, जिन्होंने भाई का फर्ज निभाया था। मेरी बात तो सुन, और उसके बाद कभी कोई भाई का फर्ज नहीं निभाया। तो हम मतलब लाल कार्ड तैयार हो जाते, अच्छा लगता तो मना कर देते, और मतलब बहुत सम्मान करते हैं। जैसे ही आते हैं तो मतलब हम कुर्सी पे खड़े जाते हैं इनसे सम्मान देने के लिए, आगे काश अभी पापा होते। ये वाला नहीं पूछता आ रहा है, कहा भी नहीं, अब तो हो गया भाई। डालूंगी मैं तो। तो मैंने सिर वॉश कर लिया अपना, बज रहा है 1:15 होने वाला है। आज मुझे सुबह हेयर वॉश करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैंने अभी हेयर वॉश किया है। इसके बाद हम करेंगे 2 शूट, 1 शूट बाहर ही कर लेंगे, क्योंकि आज 3 शूट मुझे करना ही है। मेरी हालत देख रहे हो, कल भी मैंने शूट नहीं कर पाई, और ये मम्मी जो कि बस मेकअप वेकअप बाकी, चलो गेट अप, बहुत हो गया टीवी टीवी। ये फ्लावर बहुत ही प्यारा सा, ये जो आप बुके देख रहे हो कि ये, और ये फोटो फ्रेम, ये कल मेरे बहुत ही क्यूट से प्यारे से फैन आए थे, उन लोगों ने दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये। तो अब हम होंगे रेडी। हैरा मैं थक भी चुकी हूँ पता है, और मुझे जुकाम भी हो रहा है। तो अब मिलते हैं रेडी होने के बाद। चुका हो गए आप तैयार? बिल्कुल। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में बताना। 1 मिनट वरना पूरा दिखाते हैं, नेल पेंट लगा दी। बताइएगा जरूर मैं कैसी लग रही हूँ। और साड़ी का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी विशु रोशन 1509 में खुली होगी। बहुत प्यारी साड़ी, इसमें सदा सौभाग्यवती भी लिखा है, चूड़ा भी बहुत प्यारा। दोनों की लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, और मेरा सेकंड लुक भी मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। और माता राम तो देख रहे हैं। अब ये होंगी रेडी, क्योंकि ये तो मार्केट के ही कपड़े पहन चुकी हैं, तो ये फटाफट होंगी रेडी, फिर हम लोग करेंगे शूट। सो वैसे तो करने वाले थे हम 3 शूट, बट बच गई है 2, और एक ही शूट हो पाया, दूसरा मैंने अभी वेयर किया है। तो अभी हम लोग बाहर जाके करेंगे। मम्मी चीजें देख रही है कुछ कुछ क्योंकि मम्मी तो अब हम लोग निकलेंगे सीधे मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, और मार्केट में भी अभी राखी है तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो अब चलते हैं मार्केट और दिखाएंगे हम क्यों जा रहे हैं। तो मिलेंगे मार्केट में। अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। उठाई इसने। अब कितने मिलेंगे मार्केट में? बाय माही। आगे मार्केट में
और यहाँ इतना रोड गंदा खुदा हुआ है, तो आज पता पता नहीं आएगी या नहीं। मम्मी मम्मी 60 रुपये 60 रुपये। बहुत रश है मार्केट में आज। सबसे पहले पीले सोडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। थैंक यू अंकल। चीयर्स। कैसा टेस्ट? अच्छा। इंदौर का राजवाड़ी के अंदर, जो राजवाड़ी के अंदर ना तरापा, इसमें रश बहुत ज्यादा है। तो हम जिस शॉप पे जा रहे हैं ना, वो शॉप बहुत छोटी सी है, बट वो अंकल के पास मम्मी बहुत टाइम से ना, मम्मी मेरी मम्मी जाती थी, मेरी मम्मी की मम्मी जाती थी, मतलब उस दिन दुकान समझ लो। तो वहाँ से लेंगे, क्या लेंगे ये भी पता चल जाएगा आपको। क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना। तो इधर है वो अंकल की शॉप, कौन सी वाली है? तो हम आ गए शॉप पे। ये देखो भैया लेने आई है मैडम, पति देव का बर्थडे और हमारा पति का, पहले देख लेते, बंद कर दो। ये मेरा जब शादी हुई थी, जब मेरा ड्रीम था माही को गोल्ड की रिंग दिलाने का, और मैं बहुत खुश थी और थोड़ी सी इमोशनल भी थी, क्योंकि मैं बहुत खुश थी रिंग दिला के उनको, और वो भी जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इतना मुझे पता है। तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे अपने खुद से ही रिंग दिला के उनको। सारी वीडियो देखते हैं आप। थैंक यू मम्मी, फोटोज ले लो ना। आज हम हो चुके हैं यहाँ पागल सराफा में, बहुत सारे पिंक चले गए पर ठीक है, पैसे का तो क्या, वो माही का गिफ्ट तो आया। और ये ब्लॉग अपलोड होगा माही के बर्थडे के बाद है ना मम्मी, नहीं तो वो तो ब्लॉग देख लेंगे, उनको पता भी चल जाएगा। कैसे देख रहा हूँ पीछे वाला भैया क्या नौटंकी कर रही इन दोनों। तो ये वाला ब्लॉग माही के बर्थडे के बाद ही अपलोड होगा। वाली पायल कितनी भी ला दो, कितनी खपी सासुओं ने दिलाई सुंदर सी पायल, कैसी लग रही है बताना। आज की तारीख में घर पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी तो इसके बाद हमको और कहीं भी जाना है। राम।
बोले, वीडियो बनाने आए जिस गार्डन में जो हमेशा खुला रहता था, आज पता नहीं किसने उसका ताला लगा दिया। यही बना लेते मम्मी, क्योंकि घर प्रमोशन करना तो जरूरी है। ये दूसरी बार हो रहा है कि हम कहीं होकर आए और हमको हमारा घर ऐसा मिला, और इतना साफ करके मैं घर गई थी और हमारा मंदिर निकल गया है, क्योंकि हमारा मंदिर दूसरा बन रहा है। मम्मी भगवान जी का है, बोरे भगवान जी का, पापा ने किचन में रख दिया भगवान जी। और मेरा रूम देखा आप लोगों को, मतलब इतना क्लीन करके गई थी। ये टूट गया हमारा, तो इसको ठीक कराना था। गेट में कुंडी लगवाई है, गेट मैंने बोला था ना नया गेट, ये रहा हमारा नया गेट। पर यार हम लोग सुबह से गए हुए तो इतना ज़्यादा थक चुके हैं, और ये नहीं पता था कि आके ऐसा हाल होने वाला है। ये नहीं, मैं फ्लैश लाइट की जाऊँ इसके। पापा ये केले से गिफ्ट है। और ये किसकी है? ये शुभम का बेटा आ रहा है, उसको बताना मत। कितने ग्राम की? ये है 5 ग्राम की थोड़ी है। आधे तोले की है। पापा ये वाला हाथ में पहन के देखो, आ जाएगी। आपको टाइट है ना हाथ? हाँ, तो अगर आपको टाइट है तो उनको तो आ जाएगी। इसमें आ रही है, हल्की टाइट। कैसे लग रही? इसमें क्या बनवाया? नहीं, ये तो ऐसे डिजाइन है वो तो। उनको मत बोलना, ये व्लॉग उनके बर्थडे के बाद ही डलेगा। हेलो, आ गई मैं मार्केट से। क्या हाल हो? मेरे फेस में ना छोटे स्पॉट्स हो रहे हैं, स्पॉट्स मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं। तो हाँ, वहीं के लिए लेकर आई गोल्ड की रिंग। गोल्ड की रिंग लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी लोगों के कमेंट्स आएंगे, बट मैं खुद की सेविंग से, खुद के पैसे से अपने हस्बैंड के लिए पहली बार कुछ इतना बड़ा लेकर आई हूँ। इधर ही आ जाओ ना। इतना बड़ा लेके आई है, इतना बड़ा तो नहीं, इतना सा है, पर इतना बड़ा उसमें लगा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और माई भी बहुत खुश होंगे, आई नो दैट। और मैं उनके लिए स्पेशली गोल्ड की रिंग ही क्यों लेकर आई, क्योंकि उनको गोल्ड की चीजें पहनना बहुत पसंद है, बट कभी भी खुद के लिए खरीदेंगे नहीं। वो दिला देंगे है ना, पर खुद के लिए नहीं लेंगे। ये चीज है उनमें कि वो नहीं लेंगे, मैं बोलूंगी मुझे दिला दो, वो दिला देंगे, बट वो खुद के लिए नहीं लेंगे। तो इसलिए माई के लिए हम लोग रिंग लेकर आए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी है। अब हम बना रहे हैं चाय। मैं बहुत ज्यादा थक, मैं चल चल के थक गई, पता है मेरे पैर दर्द हो रहा है, चल चल के ज्यादा थक गई। तो ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, रिंग कैसी लगी बताइएगा, और आगे आपको क्या ब्लॉग चाहिए हमसे रिलेटेड वो भी कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।